साथियों नमस्कार। आइए प्रयास करते हैं किसी एक हैम रेडियो ऑपरेटर को एसएसबी मोड पर पकड़ने का, कैच करने का। तो इसके लिए मेरे पास है एक्सेस डेटा D808 और मैं इसके माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप वो सब स्टेप्स बता दूंगा कि कैसे अपने रेडियो पे हैम जो स्टेशंस हैं वो ट्यून किए जाते हैं। तो एक्सेस डेटा D808 को मैं ले आया हूँ एक नहर के किनारे और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। पहले मैं इसको ऑन करता हूँ। इसका जो एरियल है वो मैंने अप कर दिया है फुल और शॉर्टवेव बैंड पर हम हैं और इसको पहले एसएसबी मोड में करना होगा हमें। थोड़ा सा टाइम लेता है ये, आप देखिए एसएसबी मोड ये ऑन कर रहा है, हल्का सा टाइम लेता है। यहाँ इस बटन से हम यूएसबी या एलएसबी पे ले जा सकते हैं, तो हम इसको यूएसबी पे ले आए हैं। और ये शाम का समय है और इस समय 20 मीटर बैंड खुला होता है। बैंड खुलने का मतलब कि अब उस पर प्रसारण सही होगा। तो उसमें हम एक फ्रीक्वेंसी चूज करते हैं 14,250 किलोहर्ट्ज और वहां देखेंगे हम 14,250। अगर आप अपने रिसीवर पे मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं विक्टर यूनिफॉर्म 3 एको क्वेबेक फॉक्स शॉट मैं कर रहा हूँ स्पेशली आपके लिए। एंड यहाँ पे बहुत ठंड है तो ज्यादा देर मैं बाहर बैठूंगा नहीं, बट ये एक ट्रायल है जो आप अगर चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड आप मेरे को जरूर बताइए कि उसमें वॉइस का क्लैरिटी कैसा था। सो दिस इज विक्टर यूनिफॉर्म 3 एको क्वेबेक फॉक्स शॉट साइनिंग ऑफ ओवर। तो साथियों ये एक छोटा सा असल में एक एक्सपेरिमेंट था जो विक्रांत शुक्ला जी ने और मैंने देश भर में हैम रेडियोज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया था। और ये लगभग विक्रांत जी जहां से ट्रांसमिट कर रहे थे वहां से मैं लगभग 2 किलोमीटर दूर था, तो वहां तक जो शॉर्ट वेव्स हैं वो ग्राउंड पे चलती हुई ही आ गई थी। अब जो लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, एएम टेक्नोलॉजी पे जो ये 3 बैंड चलते हैं इनमें लॉन्ग वेव्स बिल्कुल जमीन के सारे चलती हैं, मीडियम वेव्स दिन में जमीन पे चलती हैं, रात के समय आकाश से रिफ्लेक्ट होकर भी आ सकती हैं, और शॉर्ट वेव्स जमीन के सारे चल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 किलोमीटर तक तो विक्रांत जी के जो ट्रांसमीटर था वहां से और मेरे D808 तक तो ये ग्राउंड पर ही आई थी, किंतु शॉर्ट वेव्स ग्राउंड पे बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं जा सकती, डेड हो जाती। तो शॉर्ट वेव्स आकाश की तरफ जाती हैं और आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर के आती हैं। इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी समझने का अवसर मिला कि हैम रेडियो ऑपरेटर्स अक्सर क्या करते हैं। सो उनका बेसिक सा काम ये रहता है कि अपने ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट करना और कोई दूसरे हैम रेडियो ऑपरेटर जो ट्रांसमिट कर रहे हैं उनसे संपर्क साधना और एक दूसरे को अपना कौन सा ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं, कौन सा रिसीवर या जो ट्रांस रिसीवर होता है वही ट्रांसमीटर है वही रिसीवर है, ट्रांस रिसीवर कौन सा यूज कर रहे हैं, एंटेना किस प्रकार का यूज कर रहे हैं, आज कंडीशंस कैसी हैं, बैंड कैसा खुला, अगर आज कंडीशंस खराब हैं तो क्यों खराब हैं, किस दिशा से हैम रेडियो ऑपरेटर्स के सिग्नल अच्छे आ रहे हैं। जैसे मेरे आगे ही मैंने देखा था विक्रांत जी ने एक रसिया के हैम रेडियो ऑपरेटर से संपर्क किया था और दक्षिण भारत में हैदराबाद के एक हैम रेडियो ऑपरेटर से संपर्क किया था। सो इस प्रकार से हैम रेडियो ऑपरेटर्स एक दूसरे से संपर्क करते हैं, वहां कोई एंटरटेनमेंट का कुछ नहीं चलता, लेकिन हैम रेडियो का क्या मजा है ये आप तभी समझ पाएंगे जब आपके पास हैम रेडियो लाइसेंस होगा और आप अपनी मशीन के साथ बैठकर अपना एंटेना डिजाइन करके और वो जो ट्रांसमिट करके ऑन एयर जाने का, सीधे प्रसारण पर जाने का, और वो जो आनंद है और दूसरों से अपने अनुभव साझा करने का वो एक अलग ही है। और जैसा कि एक अलग से एक वीडियो आ जाएगा कि इमरजेंसी में हैम रेडियोज कैसे काम आते हैं। नमस्कार।